यकीन नहीं आता, ये वही किशन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ढूंढ ली है अक्षर की पहचान। अक्षर असली चीज है, इसमें है संसार। hey! चीजों में से जानता अक्षर का सब चीजों में छिपा है अक्षर, आओ करे पहचान। शुरुआत से अंत तक सबका एक निशान है, इसमें अक्षर उसमें अक्षर, अपने हैं सब साथी अक्षर। आओ खेलें खेल हमारा, नाम है जिसका अक्षर मेला। जय साक्षरता। जय साक्षरता। यमुना के दोनों किनारों से, लाल किले से लेकर कुतुब मीनार तक, चांदनी चौक से लेकर इंडिया गेट तक, हमारे आए हुए सब नव साक्षर मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज के अक्षर मेला में। ये हमारे वो हिम्मत वाले साथी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की जंजीरों को अक्षरों के हथियार से तोड़ डाला है। आइए इनका स्वागत कीजिए आज के अक्षर मेला में। और मेरे साथ आज एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। ये है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली की, कथक शैली की मशहूर नृत्यांगना। इनका नाम है शोभना नारायण। आइए आइए बहुत जोर से। पूरी दुनिया में अपने लय और ताल का जादू जगाने के बाद आज शोभना जी यहां पर अक्षरों के जादू की गवाह बनेंगी और आज के अक्षर मेला में हिस्सा लेंगी। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये भारत सरकार में एक बहुत ऊंचे औहदे पर हैं और हमारी सरकार कितना खर्चा करती है उस पे बहुत कड़ी नजर रखती हैं ये। देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मैं सोचती हूँ कि साक्षरता बहुत ही जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि इससे दिमाग का विकास होता है और उससे एक आनंद आता है। ये जो शब्द है अक्षर, अ एक तरह से आराधना है जिससे क्षमता आती है और फिर रंजन होता है, वो आनंद पाता है। तो साक्षरता बहुत ही जरूरी है जिंदगी में। शोभना जी बैठेंगी, आज का जो भी मुकाबला होगा वो ये देखेंगी और फिर आगे जाके ये खेल भी आपके साथ खेलेंगी। आइए शोभना जी, आप प्लीज बैठिए। चलिए, अपने खास मेहमान से मिलवाने के बाद अब आइए चल के मिलते हैं अपने दूसरे खास मेहमान से। हमारे आज के खिलाड़ी जो हैं, हमारी तीनों टीमें दिल्ली की हैं और ये तीनों टीमें हैं उत्तरी पूर्वी जिला की, और ये है केंद्रीय जिला की, और ये है पूर्वी जिला की। मैं दोबारा आपका परिचय करा देती हूँ इनसे। ये है उत्तरी पूर्वी जिला की टीम और उनके स्वयं सेवक का नाम है दीपचंद आजाद। और दीपचंद जी के साथ आए हैं राम आशीष, और ये शिव प्रसाद चौरसिया, और ये है नसरीन, और ये है जय किशन, और ये है हमारी केंद्रीय जिला की टीम और इनके स्वयं सेवक का नाम है शहबान, और शहबान के साथ आए हैं हुसैन, और ये दीपू, और ये है कासिम, और ये है वाहिद, और ये है हमारी पूर्वी जिला की टीम और इनकी स्वयं सेवक का नाम है शशि प्रभा, और शशि के साथ आए हैं चंचल और राकेश, और ये दीपा, और ये लक्ष्मी। चलिए भाई, परिचय हो गया, अब चल के खेलते हैं अपना पहला खेल। ये है खेल, अक्षरों का ज्ञान तो आपको मिल चुका है, अब इसका खेलेंगे हम खेल। हमारा सबसे पहला खेल है खोजबीन। आपको क्या करना है कि शब्दों की भीड़ में आपको कुछ शब्द
खोज के निकालने हैं। एक जना टीम का खोजेगा और शब्द पहचानेगा, दूसरा जना यहाँ पर लिखेगा। हर टीम में से मुझे दो मेंबर्स चाहिए। चलिए पहले हम आपकी टीम के पास आते हैं। जीतन आप बताइए कौन पहचानेगा कौन लिखेगा। लिखने के लिए शिवप्रसाद और नसीन बोलेंगे। नसीन आप पहचानेंगी और शिवप्रसाद आप लिखेंगे। आइए शिवप्रसाद आप चलिए छुट्टी खोलिए और नसीन आप मेरे साथ आइए। आओ और इनको पहचानने हैं बीमारियों के शब्द। और ये आपकी जाली आपका समय शुरू होता है। चेचक। चेचक कहा इन्होंने? बुखार। बुखार बहुत अच्छे। हैजा। हैजा कहा इन्होंने? चलिए एक और है। बहुत समय आराम से देखो, देखो सारे जितने अक्षर बचे हैं उनमें ढूंढो एक और बीमारी। देखो नीचे से नीचे देखो। गिदमाप। नाना नाना। नींद। उसको उसको देखो फिर से। नींद। यावरी। फिर से देखो एक और बीमारी है ऊपर। दमा। हाँ दमा बिल्कुल सही है नसीन। चलो आप बैठो। चलिए दमा चेचक बुखार हैजा अभी है आपके पास टाइम। चलिए इन्होंने समय से पहले खत्म कर दिया। आइए इधर जय किशन आप इधर आइए। ये चेचक ये बुखार ये हैजा ये दमा। वहां बुखार चेचक हैजा दमा। ठीक है शोभा जी बिल्कुल। और चलिए आपके हो गए 80 अंक। अच्छा अच्छा बात है बताइए कौन जाएगा पहचानने कौन जाएगा लिखने। ये हुसैन जाएगा लिखने और दीपू जाएगा पहचानने। हुसैन आप चलिए और दीपू आप जाइए पहचानने। खिड़की खोल लीजिए। आइए हुसैन आपका दीपू खिड़की खोल के और आपको पहचानने हैं दालों के नाम। ये तो बहुत आसान है ना दीपू। और आपकी जाली ये है आपका समय शुरू होता है अब। उर्द। 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 चलो तीन और हैं। अरहर। अरहर बोला इन्होंने। मूंग। मूंग बोला बहुत अच्छे। एक और है देखो ऊपर से नीचे देखो दाएं से जितने अक्षर बने। मोट। मोट बिल्कुल सही है दीपू शाबाश। आओ बैठ जाओ आप बैठ जाओ। चलिए उड़द बोला मूंग बोला और अरहर बोला और मोट बोला। चलो 30 सेकंड है हम बोल रहे हैं ना आपको। अरहर आप एक जना रहेगा एक जना वापस जाएगा फिर दोनों नहीं रहेंगे। मूंग उड़द अरहर और मोट। चलिए इन्होंने समय से पहले खत्म कर दिया। आइए इधर इसमें हमारा जो चिपकाने का है वो निकल गया है तो इसके लिए हम आपके नहीं काटेंगे नंबर। आप वहां खड़े हो जाइए वहां पर। हाँ उड़द सही है। मूंग की छोटी ऊ की मात्रा आपने लगाई है होनी चाहिए बड़ी लेकिन शोभना जी दे दीजिए नंबर दे दीजिए मात्रा के लिए नहीं काटेंगे हाँ। इसके लिए नहीं काटेंगे तो इनके चार यहां सही चार वहां सही इनके हो गए 80 अंक। चलो आप बैठिए और आप मुझे यहाँ से बताइए शशि कौन जाएगा पहचानने कौन जाएगा लिखने। लक्ष्मी जाएंगी पहचानने और दीपा जाएंगी लिखने। अच्छा दीपा तुम लिखोगे वहाँ पर। अच्छा अच्छा लिखो। चलिए इनको पहचानने हैं जानवर के नाम। ये तो आसान है ना लक्ष्मी और तुम्हारी जान जाली है ये। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। लंगूर। लंगूर कहा इन्होंने? हिरण। हिरण। और शेर। शेर। सुअर। और सुअर बहुत अच्छे। चलिए आपके हो गए सारे। यहाँ देखो लंगूर बहुत वक्त है तुम्हारे पास आराम आराम से। शेर और उन्होंने हिरण कहा हिरण बहुत अच्छे। हिरण और लंगूर शेर हिरण और क्या कहा था? सुअर। और सुअर कहा था। बहुत समय है तुम्हारे पास। सुअर सुअर देखो देखो क्या गलत है सब अपने अक्षर देख लो शब्द देख लो पूरे सारे। बहुत अच्छे शाबाश इधर वेरी गुड। ये लंगूर ये सुअर थोड़ा सा ऐसे कर देते और ये शेर और ये हिरण। वहां सुअर शेर लंगूर हिरण बहुत अच्छे इनके हो गए बिल्कुल 80 अंक। चलिए तो हमारा खोजबीन का खेल खत्म होता है। देखते हैं किसको मिले कितने अंक।
उत्तरी पूर्वी जिला को 80 अंक, केंद्रीय जिला को 80 अंक और पूर्वी जिला को भी 80 अंक। अब हम चल के खेलते अपना दूसरा खेल जो है बही खाता। कुछ हिसाब किताब की बातें हो जाएं, कुछ गणित के सवाल हैं ये। चलिए हम सबसे पहले आपके पास आते हैं और दीपचंद जी आप मुझे बताएं कि आपकी टीम से कौन जाएगा बही खाता के लिए। राम आशीष। राम आशीष आप जाएंगे। चलिए राम आशीष, और आपके साथ ही आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आप सोच समझ के लिखिएगा। अच्छा, आपका समय शुरू होता है अब। 76 जमा 18 बने 94 लिखो। 53 घटा 19 बने 44 लिखो। यहाँ से आवाज नहीं आएगी। हाँ 34 हाँ 34 लिखो। 34 12 गुना 8 बने 96 लिखो। ये कह रहे हैं 96 और 85 भाग 5 बने 17 पंजे 85 17 लिखो। चलिए भाई 10 सेकंड से पहले ही इन्होंने खत्म कर दिया। आइए इधर आइए, इधर आइए। ये 94, ये 34, ये 96, ये 17। शोभना जी एब्सोल्युटली बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए 40 अंक। और अब हम आपसे पूछते हैं शहबान, आप बताइए यहाँ कौन जाएगा गणित के सवाल। वाहिद। वाहिद आप जाएंगे। पूरी खिड़की खोल दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। 62 जमा 35 बने 97 9 7। अंक अलग नहीं बोलिएगा, पूरा बोलिएगा, अंक अलग नहीं बोलिएगा। 94 घटा 19 बने 73। 18 गुना 5 बने 90 और 76 भाग 2 बने 38। जोर से बोलो 38। 38 कहा हुसैन ने, 38 आखिरी वाले का आपका 38 है। 28 बस बस। अब आप आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप यहां आ जाइए। आपका पहले बिल्कुल सही है 97, दूसरा आपका गलत है, ये 75 होना चाहिए, यानी आपका 5 इधर होना चाहिए और ये जो आपका 3 है ये होना चाहिए था इधर। आपका 90 भी सही है और ये 38 होना चाहिए था। आपके 2 सही हैं, आपको मिलते हैं 20 अंक। चलिए वाहिद आप बढ़िए। अब आप मुझे बताएं शशि, यहाँ से कौन जाएगा गणित के सवाल हल करने? चंचल। चलिए चंचल आप आइए और अपने गणित के सवालों को हल कीजिए। चलिए पूरी खिड़की खोल दीजिए और ये रहे आपके सवाल। आपका समय शुरू होता है अब। 56 5 और 6 अंक अलग अलग नहीं बोलना दीपा। 79 घटा 42 बने 74 14 गुना 7 बने राकेश और 96 भाग 16 बने 7 और 4। चलो जल्दी करो, बहुत कम समय बचा है। 14 गुना 7 बने बस 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 बस। आओ इधर आओ, इधर आओ। आपका पहला वाला सही है 56, दूसरा गलत है, ये होना चाहिए था 47। ये थोड़ी गलती हो गई इधर, ये होना चाहिए था। और आपका तीसरा होना चाहिए था 98 और 14 आपका 6। आपको मिलते हैं इसके 10 अंक। हिसाब किताब में हमारी टीमें थोड़ी सी ढीली हो गई, कोई बात नहीं, अब देखते हैं किसको कितने अंक मिले। उत्तरी पूर्वी जिला के 120 अंक, केंद्रीय जिला के 100 अंक और पूर्वी जिला के 90 अंक। कहीं समय का एक तारा अक्षर अक्षर दीप जले फैले शिक्षा का उजियारा। कहीं समय का एक तारा tan na 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 tan na 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 tan na 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 tan na na na
होशियार, समझ बढ़े तो पढ़े विचार। बड़ा ज्ञान से ना धन दूजा, करती दुनिया ज्ञान की पूजा। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। ये कहीं समय का एक तारा, अक्षर अक्षर दीप जले, खेले शिक्षा का उजियारा। कहीं समय का एक तारा, पढ़ने लिखने का तो मजा ही कुछ और है। पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। चलिए अब चल के खेलते हैं अपना तीसरा खेल, जिसका नाम है देखी सुनी। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे खास अतिथि आए हैं, इतना कीमती समय निकाला है उन्होंने यहाँ पर उपस्थित होने के लिए, उनसे कहेंगे कि वाकई ये खेल आपके साथ खेलें। शोना नारायण के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हम देखी सुनी के दो खेल खेलेंगे, दो राउंड खेलेंगे आपके साथ। आप समझा दीजिए ना पहले, सबसे पहले क्या खेलेंगे हम? देखिए, मैं कहूँ कथक नृत्यांगना और जाहिर है कि मैं अपने हाव भाव से पहले एक खेल उस पर आधारित करती हूँ। सबसे पहले टीम ए, जैसे कि ये है बादल, ये है बिजली। अब आप देखिए कि कौन से जानवर या पक्षी? फिर से बोलो। हिरण। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इतना आसान था, बस एक और करती हूँ। उसको बहुत खुशी हो रही है, उसको पता था। एक और करती हूँ। फिर से बोलो। मोर। बिल्कुल सही, पूरे दस अंक। अच्छा, आते हैं टीम बी पर। ये सवाल, फिर से बोलो। भवरा। भवरा बिल्कुल, और ये क्या है? फूल। फूल है, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इनके दोनों हो गए। और एक और, एक से कैसे काम चलेगा। अच्छा। हाँ, एक और। ये बताओ, कौन से किस भगवान की प्रतिमा को हम दिखा रहे हैं? देखिए, डांस समझना मुश्किल तो है ही नहीं। अब जो यहाँ तो अंगों से, मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं नजरों से बात करूंगी। हाँ दीपा, डरो मत। हाँ, कोई डरने की बात नहीं। बिल्कुल क्यों, प्यार से भी तो मैं देख सकती हूँ। फिर आपको पहचानना है कि कौन सा रस है। एक है, जोर से बोलो, गुस्से में। गुस्से में बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और दूसरा, डरना। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हो गया तीनों के साथ। अब शोभना जी कुछ सवाल पूछेंगी हर एक टीम को। पहला टीम ए, इस तस्वीर को देखकर बताना है कि ये कौन सा पथ है जिस पर 26 जनवरी को परेड निकलती है? विजय पथ। आप बताइए। राजपथ। राजपथ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब दूसरा सवाल इनके लिए है। जी हाँ, चांदनी चौक में उस गुरुद्वारे का नाम बताइए जहाँ की सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर का सिर काटा गया था। सीधगंज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और तीसरा सवाल है कि गाना, वो देशभक्ति का गाना है, उसे सुन करके आपको बताना है कि कौन गा रहा है। हे मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके, जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के। लता मंगेशकर। बिल्कुल सही, बिल्कुल।
चोपड़ा जी, इससे बढ़िया मैं भी ये राउंड नहीं कर पाती जितना आपने करा। बहुत बहुत शुक्रिया चोपड़ा जी के लिए, ताली बजा दीजिए। अब देखते हैं कि इस खेल के बाद किसके कितने अंक मिले। उत्तरी पूर्वी जिला 130 अंक, केंद्रीय जिला 130 अंक, पूर्वी जिला 110 अंक। भाई दिल थाम के बैठ जाइए, सबसे बढ़िया खेल तो अब आ रहा है जिसका नाम है 12 खड़ी। हमें आपको एक शब्द देना है, उस शब्द को तोड़ मोड़ जड़ोड़ के आपको दूसरे शब्द बनाने हैं। सबसे पहले हम आपकी टीम के पास आएंगे। दीपचंद जी, आप मुझे बताएं कि कौन जाएगा आपकी टीम से 12 खड़ी खेलने। जय किशन आप जाएंगे। बहुत अच्छे, कलम उठाइए और तैयार हो जाइए। और आपका शब्द है सीमाहीन, और आपका समय शुरू होता है अब। जो बोलेगा उसके आगे मैं माइक रखूंगी। अच्छा, मान, मान, नाम, नाम, हीना, हीना, सीमा, सीन, सीम, हम लिखा हम, नहा, फिर से बोलो ना सीन, नहा, महा, सीना, मही, मही, मास, मास लिखो मास। बहुत अच्छे। महान, महान, मीना, मीना लिखो मीना। बस आपका समय खत्म हो गया, आप यहाँ आइए और मुझे कलम दीजिए। आइए इधर। सीमा, हीन, मीन, मान, सम, नाम, हीना, हीना नहीं हो सकता, इसमें छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। और ये सीन, ये नहीं, हम नहीं, नहा, महा, हम दोबारा हो गया। और ये सीम, सीमा, और ये नहीं, मही, सीमा, सीन, ये क्या है, सीम, मास, सम, साम, महान, नाम दोबारा हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, आप भी हो गए 180 अंक। आप भी बताइए। आप मुझे यहाँ से बताइए कि कौन जाएगा यहाँ से। दीपू, दीपू आप जाएंगे यहाँ से 12 खड़ी खेलने। बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए और साफ साफ लिखिए आप। चलिए, आपका शब्द है सामाजिक, और आपका समय शुरू होता है अब। शाम, दोबारा बोल दीजिए, शाम, दोबारा, जाम, मास कहा इन्होंने, कसम, जमा, कसम, सजा, बहुत अच्छे, सजा, समाज, जाम, जमा, माजी, साजी, साजी कहा इन्होंने। बस आपका समय खत्म हो गया, अब मुझे कलम दीजिए। सामा कुछ नहीं होता, साम, मस कुछ नहीं होता, जाम, जमा, कसाम, आ की मात्रा नहीं, मजा, मजा, समा, समा, सजा, समाज, जामा, कास कुछ नहीं होता, श होता है, माजी, साड़ी, ये क्या है, साजी, साजी कुछ नहीं होता, वो साजी होता है, और ये दोबारा हो गया। आपके हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपके हो गए 90 अंक। आप मुझे बताइए सची, आपकी टीम से कौन जाएगा 12 घड़ी खेलने। दीपा, दीपा तुम जाओगी, बहुत होशियार हो तुम तो, ये लो कलम और तुम जाओ साफ साफ अक्षरों में वहां पर लिखना, तुम्हारा शब्द अभी आ जाएगा। तुम्हारा शब्द है चेतावनी, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। वन, दवा, आओ, दवा, चेतना, बहुत अच्छे, दोबारा बोलो, तानी, माइक में, तानी, नीचा,
चीता तनाव बहुत अच्छे चलो जोर से बोलो तनाव चारा वन कहा तुमने वन नीव तीन नीव राकेश नीव कह रहे हैं चलिए चलिए वीना बस 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 लाइए मुझे कलम दीजिए और हम देखते हैं यहाँ तनाव ये चीता ये नीचा ये वन ये नव ये नीचे ये ताव चेता तावा कुछ नहीं होता तना कुछ नहीं होता निया चेतना चेतना दोबारा हो गया ना इधर हम उसको दे देंगे चेता दोबारा हो गया आप तानी कुछ नहीं होता वन दोबारा हो गया आपका ये रा ठीक है और ये नीर और ये नाव आपके हो गए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये नौ ये दस ये ग्यारह और ये कुछ नहीं है आपके ग्यारह आपके हो गए 110 अंक चलिए हमारा 12 खड़ी का खेल यहीं खत्म होता है यहीं समाप्त होता है आज का ये दिल्ली का फाइनल यहीं समाप्त होता है इससे पहले कि हम देखें कि किसको मिले कितने अंक और आज के विजेता कौन है हम बुलाते हैं अपने खास मेहमान को शोभना नारायण जी आइए चलिए भाई दिखा दीजिए कौन जीता आज का ये खेल अरे दूसरे स्थान पर दोनों केंद्रीय जिला और पूर्वी जिला आइए 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 देखिए कहाँ आइए 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 हम इन सब सदस्यों को इन दोनों टीमों के सब सदस्यों को देंगे 625 रुपए ये दोनों हैं दूसरे स्थान पर बहुत अच्छे और 310 अंक लेकर आज के विजेता हैं उत्तरी पूर्वी जिला की टीम आइए 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 और आप बहुत अच्छे आइए मजा दीजिए सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा लगाया था कि दिल्ली चलो उनके साथियों ने ऐलान किया कि अब दिल्ली दूर नहीं दिल्ली तो देश का दिल है बहुत से लोगों के लिए ये आखिरी स्थान है मंजिल है यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जीतने और कुछ ऐसे ही चले जाते हैं लेकिन आज यहाँ आए हुए हमारे मेहमान हमारे खिलाड़ी सब विजेता हैं क्योंकि ये अपनी जिंदगी की लड़ाई जीत चुके हैं तो आइए और मेरे साथ गाइए पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों घग को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो घग को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों